पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड का मैच चल रहा है और दूसरी तरफ आरसीबी ने लगातार पांचवा मैच जीत के लोगों के दिल जीत लिए। वो जो लोग आरसीबी की उम्मीद लगाए बैठे थे क्वालिफाई करेंगे, मैं उनसे मुखातिब हूँ। आपको पता होगा कि 99% आरसीबी का चांस नहीं था क्वालिफाई का, तब भी आपको कहा था कि आरसीबी क्वालिफाई करेगी, पूरा सिनेरियो बताया था, बस आरसीबी अपने मैचेस जीते। आरसीबी ने हर इम्तिहान पास कर लिया। आज आरसीबी के लिए एक अच्छी चीज हुई, एक बुरी चीज हुई। अच्छी चीज ये हुई कि आरसीबी जीत गया, बुरी चीज ये हुई कि चेन्नई भी जीत गया। लेकिन चेन्नई वर्सेज आरसीबी अभी पेंडिंग है, जहां से ये खेल शुरू हुआ था, आईपीएल शुरू हुआ था, वहीं पे खत्म होगा। 18 तारीख को ये मुकाबला है आरसीबी वर्सेज चेन्नई सुपर किंग्स का, जो कि फैसला करेगा कौन क्वालिफाई करेगा। अगर लखनऊ अपने दोनों मैचेस हार जाती है और चेन्नई को अगर आरसीबी को हराना होगा, तो फिर रन रेट भी देख के हराना पड़ेगा। लेकिन अगर आज के मैच की बात करें तो आज आरसीबी की तरफ से देखा जाए तो स्टार्ट अच्छा मिला, लेकिन एंड पे उस तरह से फिनिश नहीं कर पाए। हर किसी ने थोड़े थोड़े रन किए, अपना अपना रोल अदा किया, बट बॉलिंग शानदार की। ऋषभ पंत नहीं थे, उसके बावजूद उनकी बैटिंग लाइनअप बड़ी ज्यादा खतरनाक थी। डेविड वार्नर, उसके अंदर जेफ फ्रेसर, आपको पता है कितना खतरनाक है। अभिषेक पोरल, अक्षर पटेल, बहुत खतरनाक किस्म का बल्लेबाज है। ट्विस्टन स्ट्रब, फिर भी आरसीबी ने बड़ी अच्छी विक्ट्री हासिल की है। क्लोज मैच को लेके जाए, देखिए जो भी है, आरसीबी जब मैच खेलता है तो आरसीबी चाहे जीत भी रहा हो ना, तब भी टेंशन होती है, ऐसा लग रहा होता है कि अब हार जाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अगर मैच की बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ नंबर वन बॉलिंग के खिलाफ 193 का टारगेट दिया आयरलैंड ने, 193 का। और फिर जब आते साथ साई मयूब छक्का मारते, मैं कहता हूं भाई आज नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान, उससे अगली बॉल पे वो आउट हो जाता है। फिर जी उम्मीद होती है कि बाबर और रिजवान दोबारा से आज ओपनर ही खेल रहे हैं, क्योंकि पहले ओवर में तो साई मयूब आउट हो गया। एकदम से दिल को उम्मीद होती है कि नहीं आज बाबर आजम नहीं छोड़ेगा, आज सबको जैसा कहता है जवाब देगा, अगली बॉल में बाबर आजम भी आउट हो जाता है। पाकिस्तानी टीम का तो मैं क्या ही बोलूं, ये मैच चल रहा है, आई विश कि किसी तरीके से लोग किसी तरीके से जीत जाए। आयरलैंड बड़ी खतरनाक नजर आ रही है, लेकिन फिर भी इस मैच के ऊपर जो तबसर है ना, वो इस मैच के खत्म होने के बाद किया जाएगा। अलबत्ता आरसीबी वर्सेस डीसी का जो मैच था ना, उसने आईपीएल को बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग कर दिया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली अगर अपना आखिरी मैच जीतेगी, उनको भी अच्छे रन रेट से जीतना पड़ेगा, आरसीबी को भी अच्छे रन रेट से जीतना है, चेन्नई को बस मैच को जीतना है, चेन्नई तब क्वालिफाई कर जाएगा। कोलकाता, आपको पता है कोलकाता किस पोजीशन के ऊपर खड़ा हुआ है, राजस्थान, आपको पता है राजस्थान किस पोजीशन के ऊपर खड़ा हुआ है। आज राजस्थान बड़ा स्लो खेला, लेकिन पिच भी ऐसी थी, कंडीशन भी ऐसी थी, चेन्नई को भी मुश्किल हुई। और आज तो भाई सरप्राइज भी था चेन्नई के स्टेडियम में, जो फैंस बैठे हुए थे उनके लिए थाला की तरफ से, वो भी आपने देख लिया होगा। लेकिन इस मैच अगर बात करें तो इस मैच के अंदर वो जो रन आउट हुआ ना जेफ फ्रेसर, मेरी नजर के अंदर वो बड़ा इंपॉर्टेंट रन आउट था, अगर वो ना होता तो बड़ी मुसीबत पड़ सकती थी। और ये जो अक्षर पटेल है ना, अगर मैं कहूं आपको ये जडेजा से ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज बन चुका हुआ है तो मैं गलत नहीं हूं। ये सिंगल हैंडली किसी भी मैच को चेंज करके रख देता है, ये बड़ा खतरनाक किस्म का हिटर बन चुका हुआ है तो ठुल्ला ही, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, लेकिन जब चलेगा तो तब ऐसा ऐसा मारेगा, फिर आपको लग पता जाएगा, बहुत डेंजरस किस्म का बल्लेबाज ही बनके साबित हो जाएगा। एक टाइम पे अगर मैं बात करूं, मुझे बार बार पाकिस्तानी मैच का याद आ रहा है, क्योंकि मेरे सामने चल रहा है, एक टाइम पे बारिश हो रही थी और मैं तो दुआ कर रहा था कि बारिश ही हो जाए, वरना पाकिस्तान हार जाएगा वाला मैच। बारिश होगी थोड़ी इज्जत तो बच जाएगी, क्योंकि उसको बाबर आजम आउट हुआ था, तो मैं तो दुआ कर रहा था कि बारिश ही हो जाए, लेकिन उसके बाद फिर बारिश ने भी धोखा दे दिया, सूरज निकल आया। तो ये चीजें होती रहती हैं, अलबत्ता दुआ करें कि बारिश, जिसको कहते हैं ना, अगर पाकिस्तान हारने वाला भी हो तब भी जिसको कहते हैं कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि बारिश ने वैसे ही पाकिस्तान को वो हरवा देना DRS के थ्रू, DRS कह रहा हूँ, डकविल लुईस के थ्रू। तो इसी के साथ साथ अगर बात करें आज के मैच की, तो विराट कोहली और ईशांत शर्मा का भी एक आपको मजेदार शशका देखने को मिलेगा। अब मजे की चीज बताऊं क्या, विराट कोहली का आते साथ ही छक्के मारना, ये पूरे आईपीएल में आपने नहीं देखा, लेकिन पिछले 3 से 4 मैचेस में आप देख रहे हो विराट कोहली पहली पहली बॉल के ऊपर आते साथ ही पहले ओवर में छक्का मारता है, फिर अगले ओवर में छक्का मारता है। विराट कोहली स्टार्ट चौके से नहीं, 2 छक्कों से स्टार्ट करता है, 1 छक्का भी नहीं, 2 छक्कों से स्टार्ट करता है। और फिर मैं अगर बात करूं रजत पाटीदार की, तो भाई ये क्या बनता है, आज भी उसने 50 किया, आज 30 बॉलों पे था, जो कि बड़ा अच्छा 50 था, बड़ी शानदार 50 था, लेकिन ये बंदा आता है इतना तेजी से रन करता है और आराम से 50 मार के चला जाता है। ये तो बड़ा शानदार किस्म की फॉर्म के अंदर आया, बड़ा मैं समझता हूँ कि हैवी किस्म का लड़का है, ये हिटर है, बड़ा शानदार किस्म का प्रॉपर एक बल्लेबाज है। बीच की सिचुएशन में आके ऐसे ही 50 कर जाना, पता भी ना लगे, ये प्लेयर्स बड़े यूजफुल होते हैं टीम के अंदर, और इसका फ्यूचर ब्राइट है। मैं देख रहा हूँ इंडिया की जो फ्यूचर की टीम होगी उसके अंदर इसका जो कहते हैं ना फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन मसला सारा यही है ना, ये प्लेयर्स का पीक टाइम होता है। अब वो बेचारे जब इंडियन टीम में सिलेक्ट होंगे तब वो बेचारे बुढ़े हो गए होंगे, या फिर जिसको कहते हैं ना उनका वो पीक टाइम खत्म हो गया होगा,
क्योंकि इतने तो कंपटीशन इतने प्लेयर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी मुबारकबाद दो आरसीबी के फैंस को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, क्योंकि देखिए हम वो लोग हैं जो आरसीबी को बुरे टाइम से सपोर्ट करते आ रहे हैं। हमने उम्मीद लगाई थी, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि भाई क्या कह रहा है, आरसीबी कैसे क्वालिफाई कर सकती है, और अब आप भी कह रहे होंगे कि आरसीबी क्वालिफाई कर सकती है। क्यों भाई, उम्मीद होनी चाहिए ना। विराट कोहली ने क्या कहा, हम लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खेल रहे हैं, टेबल को नहीं देख रहे, टेबल के ऊपर बड़े चांसेस है वो आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खेल। जब अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खेलोगे तब आपको रिजल्ट मिलेंगे। आखिरी मैच भी जीत जाओ आप क्वालिफाई कर जाओगे, मैं आपको कह रहा हूँ, आखिरी मैच बस जीत लो। मैंने कहा था ना अपने 6 के 6 मैचेस जीतने, बस ये आखिरी मैच भी जीत लो आप लोग क्वालिफाई कर।